मैं नहीं जानती कि इसके बारे में क्या करना चाहिए क्या हुआ वो फीलिंग्स जो मैं डेनिस के लिए रखती रही हूँ वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे अपनी लाइफ से हमेशा के लिए खो दिया है वो बस मुझे नहीं पता आ, आना छोड़ो ये सब तो अब मुझे क्या करना चाहिए किसी दूसरे नाम से जाए उस बहन का रोल करे जिससे मैं नफरत करती हूं और दिखावा करूँ कि ये सब ठीक है मैं ऐसा नहीं कर सकती मैं, मैं, नहीं कर सकती मैं समझता हूं कि ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है शायद ऐसा पहले तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ जो भी महसूस हो रहा है वो हमेशा के लिए नहीं है ये जल्दी खत्म हो जाएगा तुम्हें बस खुद को बताना होगा कुछ भी परमानेंट नहीं है इससे तुम्हारी मदद होगी सच में देखना तुम खुशी से जियोगी मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी तुम मुझसे अभी मिलना चाहती हो नहीं इसकी जरूरत नहीं है गुड बाय लोगों को कभी कभी अपनी यादें याद आती हैं और मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूं उस समय की अक्सर बातें मैं सोचता रहता हूं ऐना और मैं कैसे हुआ करते थे कैसे मुझे उससे प्यार हो गया था और शादी का सपना देखा था तुमको इससे गुजरना होगा मुझे आगे बढ़ना ही होगा

पता नहीं कब मेरी शादी होगी कब मेरे बच्चे होंगे कब मेरा अपना बिजनेस होगा कब मैं अपने अपार्टमेंट पर रहने के लिए जाऊंगी लगता है अब ये मेरे सारे सपने सपने ही रहेंगे कभी पूरे नहीं होंगे मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। कोई मेरी प्रॉब्लम की परवाह नहीं करता सब ये अपने बारे में ही सोचते हैं मुझे कोई पसंद नहीं करता मुझे भी किसी की परवाह नहीं क्या तुम ये सारी बातें बंद करोगी हां अगर मैं आपकी बेटी होती तो तब आप क्या कहती बुआ <laughs> ओ बुआ ओ याना इतना दर्द क्यों होता है क्योंकि आप उससे प्यार करती हैं <laughs> सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो मैं जानती हूँ कि वो सच में एक बड़ा बेवकूफ है लेकिन मैं उसे नहीं भुला सकती मैं हर समय उसके बारे में सोचती हूँ मुझे याद है एक बार उसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं उसके साथ मछली पकड़ने जा सकती हूँ और उसने मुझे टेंट में किस किया था फिर अचानक उसने मुझे मेरी शादी से किडनैप कर लिया और बाद में सब कुछ बर्बाद हो गया बुआ क्या आप टोलिक और उसके टैबलेट के साथ लाइफ बिताना चाहती हैं? बिल्कुल भी नहीं पर मैं बहुत अपसेट हूं। मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मुझसे झूठ बोला अपने बेटे के बारे में अपने रिकॉर्ड के बारे में अगर उसने मुझसे झूठ नहीं बोला होता तो लाइफ कुछ अलग होती बुआ ये मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से जानती हूँ आपको लगता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को जानते हैं फिर ये सब गायब हो जाता है हु, मैं इस टाइम पागल हो रही हूँ लेकिन जब मैं उसे देखूँगी तो मैं उसे माफ़ कर दूँगी वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है बेवकूफ झूठा इंसान बुआ हो सकता है कि उसने आपसे झूठ बोला हो क्योंकि वो चीज़ों को बेहतर बनाना चाहता था सच्चाई कभी कभी प्यार को बर्बाद कर सकती है अपने बारे में पूरा सच बताना इतना आसान नहीं है खासकर तब जब आप किसी से प्यार करते हैं बुआ।, बुआ ओ बुआ मुझे माफ कर दो और मुझे भाभी से भी माफ़ी मांगनी होगी आपको पता है मॉम समझ जाएंगी यहाँ आइए